मैथमेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट जो किसी के लिए तो बहुत टेढ़ी खीर होता है, मगर किसी के लिए खेल ही होता है। इसीलिए किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और किसी को बहुत पसंद आता है। मगर मैथमेटिक्स की फील्ड में भारत का परचम लहराने वाली एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें हम श्रीनिवास अयंगर रामानुजन के नाम से जानते हैं, उनका नाम जब भी आता है तो भले ही हम मैथमेटिक्स को पसंद करते हो या ना करते हो, उनका नाम सम्मान से लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल की तरफ से एक नई ऑडियो बुक समरी लेकर के मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हूं। गीगल ऐप पर आप ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई ऑडियो बुक समरीज को सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि एक्शन जरूर लें, इम्प्लीमेंट जरूर करें। तो आइए आज की ऑडियो बुक समरी को शुरू करते हैं। जैसे कि बात हुई मैथमेटिक्स के बारे में, तो आज की ऑडियो बुक समरी एक बायोग्राफी है। जी हाँ, और वो रेस्पेक्टेड श्रीनिवास अयंगर रामानुजन के बारे में ही है। ऑडियो बुक समरी का टाइटल है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जिसे लिखा है रॉबर्ट कैनेकिल ने। रॉबर्ट कैनेकिल एक राइटर, प्रोफेसर और एक बायोग्राफर हैं। उन्होंने 7 किताबें और 400 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं। रॉबर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और कई अलग अलग पब्लिकेशंस के लिए भी लिखा है। उनकी बुक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी पर 2015 में एक फिल्म भी बनाई गई थी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। और बुक का इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से है। क्या आपने श्रीनिवास रामानुजन के बारे में सुना है? कौन थे वो? वो एक जीनियस मैथमेटिशियन थे। वो रॉयल सोसाइटी में फेलो बनने वाले दूसरे भारतीय और कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो बनने वाले पहले भारतीय थे। इस बुक में आप रामानुजन के बारे में कई दिलचस्प बातें जानेंगे। रामानुजन बहुत विनम्र इंसान थे। दुनिया भर के मैथमेटिशियन उन्हें काफी मान सम्मान देते थे। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अपने पीछे वो कई महान अचीवमेंट छोड़ गए जिस पर भारत को गर्व होना चाहिए। अ ब्राह्मण बॉयहुड। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास एक साड़ी की दुकान में क्लर्क थे। उनकी माँ कोमल तामल हाउसवाइफ थी और पास के एक मंदिर में गाया करती थी। रामानुजन साउथ इंडिया के कुंबकोनम गांव में पले बड़े थे। रामानुजन एक जिद्दी लेकिन भावुक बच्चे थे। एक बार जब वो बहुत छोटे और नासमझ थे तो उन्होंने मंदिर के प्रसाद के अलावा कुछ भी खाने से मना कर दिया था। अगर उन्हें मनचाहा खाना नहीं मिलता तो वो जमीन पर मिट्टी में लोटने लग जाते थे। वो स्वभाव से बड़े शांत थे, लेकिन हर बात को गौर से देखते और उसके बारे में सोचने लगते। उनके सवाल दूसरे बच्चों से काफी अलग होते थे, जैसे यहाँ से बादल कितनी दूर है या इस दुनिया में पहला आदमी कौन था। रामानुजन को अकेले रहना पसंद था। जहां दूसरे बच्चे बाहर खेलने के लिए मौका मिलते ही तुरंत भाग जाते, वहीं रामानुजन को घर पर समय बिताना अच्छा लगता था। उन्हें स्पोर्ट्स में कोई रुचि नहीं थी। शायद यही कारण था कि वो थोड़े मोटे थे। वो अपनी माँ से अक्सर कहा करते कि अगर किसी दिन उनका किसी बच्चे से झगड़ा हो गया तो उन्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बस उस पर बैठ जाएंगे और उसका काम तमाम हो जाएगा। रामानुजन कंगायन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। वहां उन्होंने बहुत कम उम्र में इंग्लिश बोलना सीख लिया था। जब वो 10 साल के थे तो उन्होंने प्राइमरी एग्जाम्स पास की। वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए थे। इसके बाद उन्होंने टाउन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। वहां वो 6 साल तक पढ़े। यहाँ पढ़ाई करना उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। वो हर सब्जेक्ट में अव्वल थे, खासकर मैथ्स में। एक दिन मैथ्स टीचर पढ़ा रही थी कि अगर किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड करो तो उसका जवाब हमेशा 1 होता है। यानी अगर 1000 फल हैं और उन्हें 1000 लोगों में डिवाइड किया जाए तो सबको 1-1 फल मिलेगा। तभी अचानक रामानुजन बोले, अगर 0 को 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या तब भी आंसर 1 होगा? अगर आप फल को किसी में डिवाइड नहीं करेंगे तो किसी को 1 भी फल कैसे मिलेगा? कम उम्र में ही उनके सवालों में लॉजिक होता था। रामानुजन के परिवार में पैसों की तंगी थी, इसीलिए वो किराएदार रखते थे। जब रामानुजन 11 साल के थे तो 2 ब्राह्मण लड़के उनके परिवार के साथ रहने के लिए आए। वो पास के गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट थे। उन लड़कों ने मैथ्स में रामानुजन की दिलचस्पी देखकर उसे पढ़ाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही महीनों में रामानुजन ने उनसे सब कुछ सीख लिया था। इसके बाद वो उन्हें कॉलेज की लाइब्रेरी से और मैथ्स की किताबें लाने के लिए कहते। एक बार उन लड़कों ने रामानुजन को ट्रिगोनोमेट्री की एक एडवांस बुक दी। सिर्फ 13 साल की उम्र में रामानुजन ने उसमें मास्टरी हासिल कर ली थी। उन्होंने क्यूबिक इक्वेशन और इनफाइनाइट सीरीज के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को भी सीख लिया था। उन्हें पाई और ई के न्यूमेरिकल वैल्यू में बड़ी दिलचस्पी थी। रामानुजन अपनी बुद्धि की वजह से अपने स्कूल में एक सेलिब्रिटी बन गए थे। दूसरे लोगों से वे काफी अलग थे। कोई भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया था, लेकिन हर कोई उनकी बुद्धि और उनके सवाल सुनकर चकित रह जाता। सबके मन में उनके लिए बहुत सम्मान था। उन्हें स्कूल में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए कई सर्टिफिकेट्स भी मिले। ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन स्कूल के हेडमास्टर ने उन्हें मैथमेटिक्स के लिए जो सबसे ऊंचा अवार्ड होता है उससे सम्मानित किया। उन्होंने रामानुजन को ऑडियंस से इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि ये लड़का 100% या A+ से भी ज्यादा डिजर्व करता है। मैथ्स में इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इनफ इज इनफ। रामानुजन हाई स्कूल में एक ऑलराउंडर थे। उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन मैथ्स में उनकी रुचि इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स को नजरअंदाज करने लगे। उन्हें इंग्लिश, फिजियोलॉजी, ग्रीक या रोमन हिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से वो इन सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। वो स्कूल में सारा वक्त मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिता देते। न वो क्लास के लेसन्स में ध्यान देते और न किसी डिस्कशन में हिस्सा लेते। हर वक्त वो बस एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री की किताबों में खोए रहते। उनके इस रवैये के कारण उन्होंने स्कॉलरशिप भी खो दी थी, क्योंकि मैथ्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स में उनके नंबर बहुत खराब थे। उन्होंने कुछ समय तक स्कूल जाने की कोशिश भी की, लेकिन वहां प्रेशर बहुत ज्यादा था। 17 साल की उम्र में रामानुजन घर से भाग गए थे। 1 साल बाद उन्होंने फिर से पचायप्पा कॉलेज में फर्स्ट आर्ट्स या FA डिग्री के लिए एडमिशन लिया। उनके नए मैथ्स टीचर ने जब उनकी नोटबुक देखी तो चकित हो गए। वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रामानुजन के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। जिस प्रॉब्लम को उनके टीचर 12 स्टेप्स में सॉल्व करते, उसे रामानुजन 3 स्टेप्स में ही सॉल्व कर देते थे। एक सीनियर मैथ्स के प्रोफेसर ने भी उनके टैलेंट को नोटिस किया। उन्होंने रामानुजन को मैथ्स के जर्नल में दिए गए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एनकरेज किया। अगर रामानुजन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते तो वो उसे प्रोफेसर को सॉल्व करने दे देते थे, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि जो सवाल रामानुजन सॉल्व नहीं कर पाते उसे उनके प्रोफेसर तक सॉल्व नहीं कर पाते थे। गवर्नमेंट कॉलेज में भी यही सिलसिला कायम रहा। सभी जानते थे कि रामानुजन मैथ्स के जीनियस थे। वो 3 घंटे के मैथ्स के एग्जाम को सिर्फ 30 मिनट में पूरा कर देते थे, लेकिन फिर से वो बाकी सब सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। एक बार फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया। रामानुजन ने बिना जवाब लिखे, बिना अपना नाम लिखे एग्जाम शीट वापस कर दी। उन्होंने शीट पर सिर्फ इतना लिखा था, सर मैं डाइजेशन के चैप्टर को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। प्रोफेसर ये पढ़ते ही समझ गए कि ये किसने लिखा था। रामानुजन FA के एग्जाम में फेल हो गए थे। उन्होंने अगले साल दोबारा कोशिश की, लेकिन वो फिर फेल हो गए। सभी जानते थे कि रामानुजन एक गिफ्टेड इंसान थे, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के कुछ रूल्स थे, इसीलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। फिर उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स में ट्यूशन देने की कोशिश की, लेकिन किताबों में दिए गए स्टेप से वो कभी सहमत ही नहीं हुए। रामानुजन उसे अपने तरीके से सॉल्व करते। 20 साल की उम्र में न उनके पास कोई जॉब थी, न कोई डिग्री और न लाइफ में कोई डायरेक्शन। वो अपना ज्यादातर समय घर की छत पर बैठे मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बिताते थे। उनके पास से न जाने कितने लोग गुजर जाते, लेकिन वो बस अपने इक्वेशन और थ्योरम की दुनिया में मगन रहते थे। उनके माता पिता उन्हें समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके सब्र का बांध टूटने लगा। एक दिन उनकी माँ ने कहा कि बस बहुत हुआ। उन्होंने रामानुजन को कुछ ऐसा करने के लिए कहा जिसे एक साइकोलॉजिस्ट टाइम टेस्टेड इंडियन साइकोथेरेपी कहते हैं। कुछ समझे आप? वो और कुछ नहीं बल्कि अरेंज मैरिज की बात कर रही थी। सर्च फॉर पैटर्न्स। एक दिन रामानुजन की माँ कुछ दोस्तों से मिलने दूसरे गांव गई। वहां उन्होंने 9 साल की एक लड़की को देखा जिसका बड़ा प्यारा सा चेहरा था और शरारती आंखें थीं। उसका नाम जानकी था। उन्होंने लड़की की कुंडली मांगी और उसे रामानुजन की कुंडली से मिलाने लगी। उन्होंने सोचा कि रामानुजन के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, इसीलिए उन्होंने जानकी के परिवार से बात चलाई। जानकी का परिवार गरीब था और वो दहेज में बस कुछ तांबे के बर्तन ही दे सकते थे। जानकी उनकी 5 बेटियों में से एक थी। रामानुजन जवान थे, लेकिन न उनके पास कोई जॉब थी और न ही कोई डिग्री। उनका परिवार भी गरीब था, लेकिन उनकी माँ ने बड़े गर्व से उन्हें बताया कि उनका बेटा मैथ्स का जीनियस है। शादी के दिन रामानुजन और उनकी माँ को देर हो गई। जिस ट्रेन से वो आ रहे थे उसने वहां पहुंचने में घंटों लगा दिए, इसीलिए वो जानकी के घर रात 1 बजे पहुंचे। इस शादी में कुछ और बुरी घटनाएं भी घटी, लेकिन फिर भी रामानुजन की मां इस शादी से खुश थीं। इस तरह 22 साल की उम्र में रामानुजन की शादी हुई। शादी होने के बाद अब वो पूरे दिन घर पर नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए एक अच्छे मौके या जॉब की तलाश में रामानुजन निकल पड़े। पहले वो मद्रास गए। उन्होंने घर घर जाकर दोस्तों से मदद मांगी। उनके पास अपनी टैलेंट का बस एक ही सबूत था, उनके नोटबुक्स जिसमें उन्होंने मैथ्स के अनगिनत प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और कई थ्योरम लिखे थे। वो उनके लिए बहुत खास थे, लेकिन ये रास्ता उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, जिस वजह से कई लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। चंद लोग ही थे जिन्होंने रामानुजन के पोटेंशियल को पहचाना और उन्हें एक मौका दिया। उनमें से एक थे रामचंद्र राव, जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सेक्रेटरी थे। राव ने उन्हें कोई जॉब नहीं दी, बल्कि स्कॉलरशिप दी ताकि रामानुजन इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल के लिए लिख सकें। इस काम के लिए वे उन्हें हर महीने 25 रुपए देते थे। रामानुजन ने जर्नल के लिए कुछ रिसर्च पेपर्स और कुछ इंटरेस्टिंग मैथ्स के सवाल लिखे। धीरे धीरे सबका ध्यान उनकी ओर जाने लगा। मद्रास में समुद्र के पास रहना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। एक बार रामानुजन से बोर्डिंग हाउस में उनके एक दोस्त मिलने आए। उसने कहा, रामानुज, सब तुम्हें जीनियस कहते हैं। रामानुजन ने कहा, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ। मेरी कोहनी को देखो, ये तुम्हें मेरी कहानी बता देगी। उनकी कोहनी इंक के कारण काली हो गई थी। वो बोर्ड पर लिखे इक्वेशन को मिटाने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। उनके दोस्त ने पूछा, तुम पेपर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? रामानुजन ने कहा कि पेपर खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी। उन पैसों को वो खाना खरीदने के लिए बचाकर रखना चाहते थे। कभी कभी वो पहले से इस्तेमाल किए हुए पेपर पर लाल इंक से लिखा करते थे। ऐसे ही एक चीज से दूसरी चीज का रास्ता बनता गया और रामानुजन ने मद्रास पोर्ट ऑफ ट्रस्ट में काम करना शुरू कर दिया। उन्हें ऑफिसर इंचार्ज सर फ्रांसिस स्प्रिंग और सेकंड इन कमांड नारायण अय्यर ने जॉब पर रखा था। उन्हें अकाउंटिंग क्लर्क की पोजीशन दी गई, जिसके लिए उन्हें हर महीने 30 रुपए मिलते थे। सर फ्रांसिस और नारायण अय्यर दोनों उनके प्रति बड़े दयालु थे। जब ज्यादा काम नहीं होता तो वो उन्हें मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने की इजाजत दे देते। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियंस के लिए लिखे जाने वाले लेटर का ड्राफ्ट तैयार करने में भी उनकी मदद करते। सर फ्रांसिस के जरिए ब्रिटिश ऑफिसर्स को रामानुजन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट के बारे में पता चला, लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनमें से कुछ को लगता था कि रामानुजन पागल थे, और उनमें से कुछ ने सलाह दी कि अगर भारत में रामानुजन को कोई नहीं समझता तो उन्हें कैम्ब्रिज में बेहतर सपोर्ट और ट्रेनिंग मिल सकती है। रामानुजन ने कैम्ब्रिज में अपने काम के सैंपल के साथ लेटर भेजे। वहां के दो मैथमेटिशियंस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ एक ने हाँ कहा। उनका नाम GH हार्डी। आई बैक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अपने लेटर में रामानुजन ने खुद को मद्रास पोर्ट ऑफ ट्रस्ट में मामूली सैलरी पर काम करने वाले एक क्लर्क के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि उनके पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन तो नहीं थी, लेकिन वो अपने लिए एक नया रास्ता बना रहे थे। उन्होंने ये भी लिखा कि वो गरीब थे और अपना काम पब्लिश नहीं कर सकते थे। इस लेटर के साथ उन्होंने अपने लिखे हुए 50 थ्योरम भी भेजे। एक जगह उन्होंने उस रिसर्च के बारे में भी तर्क दिया जो हार्डी ने 3 साल पहले कैम्ब्रिज में लिखा था। पहली बार जब हार्डी ने रामानुजन के लेटर को पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये कोई शरारत थी। उन्हें पहले भी ऐसे कई लेटर मिल चुके थे जिनमें किसी ने दावा किया था कि वो मैथ्स का मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन हार्डी रामानुजन के लेटर को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने कभी भी रामानुजन के बनाए हुए थ्योरम जैसा कुछ नहीं देखा था। यहाँ तक कि उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि ये लेटर उन्हें पूरे दिन परेशान करता रहेगा। इसीलिए उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त जॉन लिटिलवुड को उसे दिखाने का फैसला किया। उस रात 3 घंटे तक वो दोनों रामानुजन के थ्योरम को पढ़ते रहे। हार्डी को एहसास हुआ कि ये अब तक का सबसे कमाल का लेटर था, जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर किया था। उन्होंने कहा कि रामानुजन के थ्योरम ने उनकी बोलती बंद कर दी थी। हार्डी के अनुसार उनके थ्योरम्स पर कोई एक नजर डालकर बता सकता था कि उन्हें लिखने वाला एक जीनियस मैथमेटिशियन था, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बिल्कुल ओरिजिनल था। हार्डी को यह यकीन हो गया था कि रामानुजन कोई धोखेबाज नहीं थे, क्योंकि किसी आम आदमी का ऐसे थ्योरम को इमेजिन कर पाना भी इम्पॉसिबल था। हार्डी ने ट्रिनिटी कॉलेज में अपने सभी साथियों को रामानुजन का लेटर दिखाया। उन्होंने लंदन में इंडियन ऑफिस को भी एक लेटर लिखा। उनकी इच्छा थी कि रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाया जाए। बेशक हार्डी ने रामानुजन के लेटर का भी जवाब दिया। उन्होंने लिखा, सर, मुझे आपके थ्योरम काफी दिलचस्प लगे। मैं जल्द से जल्द आपका और भी काम देखना चाहूंगा। अब जब रामानुजन को हार्डी का सपोर्ट मिल गया तो ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्हें सीरियसली लेने लगे। रामानुजन के पास अब भी कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन मद्रास यूनिवर्सिटी के चांसलर ने उनके लिए रूल्स में थोड़े बदलाव किए। उन्होंने उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में रिसर्च स्कॉलरशिप ऑफर की। इसके लिए उन्हें महीने के 75 रुपए दिए गए। रामानुजन ने कैम्ब्रिज आने के इनविटेशन को मना कर दिया था। वो एक समर्पित हिंदू ब्राह्मण थे और विदेश न जाने की परंपरा को कायम रखना चाहते थे। इससे हार्डी थोड़ा नाराज हुए, लेकिन वो अब भी रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाना चाहते थे। इसके लिए हार्डी ने अपने दोस्त से मदद मांगी। ई एच नेवल मद्रास में लेक्चर देने वाले थे, लेकिन हार्डी ने उन्हें एक और मिशन दिया, जो ये था कि वो किसी भी तरह रामानुजन को इंग्लैंड आने के लिए राजी करें। रामानुजन ने जब हार्डी के लेटर का जवाब दिया था तो उसमें लिखा था कि मुझे आप में एक ऐसा दोस्त मिला है जो मेरे काम की सराहना करता है। हार्डी खुद एक नामी गिरामी मैथमेटिशियन थे। वो रॉयल सोसाइटी के फेलो भी थे। सिर्फ उनकी बदौलत रामानुजन को एक परमानेंट जॉब दी गई, जिसकी वजह से वो अपने परिवार को सपोर्ट कर पा रहे थे। एक दिन रामानुजन ने सपने में नमककल मंदिर में कुछ देखा, जिसके बाद उन्हें यकीन हो गया था कि उन्हें एक बार विदेश जरूर जाना चाहिए। मार्च 1914 में वो हार्डी से मिलने के लिए निकल पड़े। रामानुजन जब कैम्ब्रिज गए तो स्प्रिंग का मौसम था। उस प्यारे मौसम में कई खूबसूरत फूल खिलते हैं। उन्हें कैंपस में रहने के लिए जगह दी गई। उन्होंने हार्डी और लिटिलवुड के साथ काम करना शुरू कर दिया। रामानुजन ने कहा कि वो दोनों उनके प्रति बहुत दयालु और मददगार थे। वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो बस रामानुजन ने भी वेस्टर्न कपड़े पहनना शुरू किया, लेकिन वो चप्पल हिंदुस्तानी ही पहनते थे। वो कहते थे कि जूते उनके पैरों को तकलीफ देते हैं। रामानुजन ने पिछले 10 सालों में लिखे लगभग 3000 थ्योरम हार्डी और लिटिलवुड को दिखाए। हार्डी ने कहा कि उनमें से कुछ गलत थे, कुछ पहले से ही कई मैथमेटिशियंस ने खोज लिए थे, लेकिन उनमें से 2/3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकते थे। रामानुजन के साथ कुछ महीने काम करने के बाद हार्डी और लिटिलवुड को लगा कि अभी तो उन्होंने रामानुजन के पोटेंशियल की बस एक ही झलक देखी थी। वो तो एक समुंदर की तरह थे, जिसमें बहुत ज्ञान भरा हुआ था। हार्डी ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने आज तक रामानुजन के स्किल जैसा मैथमेटिशियन नहीं देखा था और उनकी तुलना सिर्फ यूलर और जैकोबी जैसे जीनियस और दिग्गजों से ही की जा सकती थी। हार्डी ने एक बार लिखा, रामानुजन मेरी खोज थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बनाया है, उन्होंने खुद अपने आप को बनाया है। हार्डी इस बात से खुश थे कि रामानुजन जैसे हीरे वो सबसे पहले तलाशने में कामयाब हुए। वो खुद रामानुजन के मैन्युस्क्रिप्ट को एडिट करते और उसे पब्लिश करने भेज देते। 1914 में रामानुजन के जीनियस काम को पब्लिश किया गया। हार्डी ने उसे तुरंत लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। रामानुजन के पहले पेपर का टाइटल था मॉड्यूलर इक्वेशन एंड एप्रॉक्सिमेशंस टू पाई। आखिर रामानुजन कैम्ब्रिज के अति बुद्धिमान कम्युनिटी के मेंबर के रूप में चर्चित होने लगे। वहां कई जीनियस थे, जिन्होंने उन्हें समझा और उनके काम के पोटेंशियल को पहचाना। 1915 तक रामानुजन के 9 पेपर पब्लिश हो चुके थे। इंडियन स्टूडेंट्स उन्हें बहुत पसंद करते थे। वो एक मैथ्स के जीनियस के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें कैम्ब्रिज बुलाने के लिए अंग्रेजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कभी कभी रामानुजन लंदन के जू या ब्रिटिश म्यूजियम देखने जाया करते थे। चार्लीज आंट नाम का एक कॉमेडी प्ले उन्हें बेहद पसंद था। वो कॉलेज के अंडरग्रेजुएट लाइफ के बारे में था। वो इतना मजेदार था कि हंसते हंसते रामानुजन की आंखों से आंसू आने लगते थे। कैम्ब्रिज में रिसर्च स्टूडेंट बनने के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री होना जरूरी था, लेकिन वहाँ के लोगों ने खास रामानुजन के लिए कुछ छूट दे दी थी। मद्रास में अथॉरिटीज ने उनकी स्कॉलरशिप को 2 सालों के लिए और बढ़ा दिया था। एक ऑफिसर ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि रामानुजन एक दिन ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो बनेंगे। मद्रास से स्कॉलरशिप के रूप में रामानुजन को हर साल 250 पाउंड मिला करते थे। इसके साथ उन्हें कैम्ब्रिज से हर साल 60 पाउंड्स मिलते थे। इनमें से 50 पाउंड्स वो अपने परिवार को भेज देते थे। फिर भी उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वे बड़ी सादगी से रहते थे। 1916 में वो हुआ जिसे अब तक रामानुजन अचीव नहीं कर पाए थे। ट्रिनिटी कॉलेज ने उन्हें बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री दी। उन्हें रिसर्च के जरिए ये डिग्री मिली थी। ये उन्हें हाई कंपोजिट नंबर्स पर लिखे उनके पेपर के लिए दिया गया था। फाइनली उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स के साथ ग्रेजुएशन फोटो के लिए पोस्ट किया। रामानुजन के पैंट की लंबाई कुछ इंच छोटी थी और उनके सूट के बटन कसे हुए थे, लेकिन आखिर वो अब रामानुजन से रामानुजन बीए पास हो गए थे। द इंग्लिश चिल। रामानुजन ज्यादातर अपने कमरे में अकेले ही खाना खाते थे। उनके पास एक छोटा सा स्टोव था जिस पर वो सब्जियां बनाते थे। जहां हार्डी और दूसरे लोग हाई टेबल में खाना खाते, रामानुजन अकेले खाना पसंद करते थे। इसका कारण यह था कि वो अपना स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट बनाए रखना चाहते थे। अंग्रेज मटन और बीफ खाने के शौकीन थे और डिनर टेबल पर वेटर घूम घूम कर नॉनवेज खाना सर्व करता था, लेकिन रामानुजन को तृप्ति अपने सांभर चावल और दही से ही मिलती थी। वो बाहर घूमने फिरने के शौकीन नहीं थे। वो भीड़ भाड़ से ज्यादा कम लोगों के ग्रुप में कंफर्टेबल महसूस करते थे, इसीलिए ज्यादातर समय वो अपने कमरे में ही बिताते थे। हार्डी अपने खाली समय में क्रिकेट या बेसबॉल खेलते थे। वो संडे ऐसे सोसाइटी के मेंबर भी थे। कई इंडियन स्टूडेंट्स ने मैजिलेस डिबेटिंग सोसाइटी को ज्वाइन किया था, लेकिन रामानुजन इन सब से दूर अपने आप में मस्त रहते थे। सर्दियों का मौसम शुरू हुआ। उस ठिठुरती ठंड में और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान रामानुजन को घर की याद आने लगी। वो अपने देश की परंपरा और कल्चर को मिस कर रहे थे, जिनके बीच वो बड़े हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें अपनी पत्नी की याद आ रही थी और वो अपनी माँ के लाड को तरस रहे थे। 1917 में रामानुजन के लिए सिचुएशन और मुश्किल हो गई थी। उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। डॉक्टरों ने इसका कारण खाने पीने की कमी और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बताया था, जो उस वक्त यूरोप में काफी फैला हुआ था। ये सब उनके लिए और ज्यादा तकलीफदेह तब हुआ जब कई महीनों तक उन्हें अपने घर से कोई लेटर नहीं मिला। उनकी माँ या जानकी की तरफ से भी कोई लेटर नहीं आया था। बाद में पता चला कि उनकी माँ ही उनके लेटर को रोक रही थी। न वो जानकी को रामानुजन के लेटर पढ़ने देती और न उसके लेटर को रामानुजन को भेजती। उन्होंने जानकी से कहा कि उसके लेटर बड़े बचकाने और बेवकूफी भरे थे। रामानुजन चाहते थे कि जानकी कैम्ब्रिज आ जाए, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें आने नहीं दिया। जानकी अपनी सास के व्यवहार से परेशान हो गई थी। फिर उसे अपने भाई की शादी में वहां से बचकर निकलने का मौका मिला। जानकी लंबे समय तक अपने ससुराल वापस नहीं गई। रामानुजन बहुत चिंतित थे। घर से कोई खबर नहीं मिलने के कारण वो बहुत दुखी थे। ट्यूबरक्लोसिस का उनके शरीर पर और इस चिंता का उनके मन पर गहरा असर हो रहा था। वो बहुत कमजोर हो गए थे और उनका वजन काफी गिरता जा रहा था। उन्हें न्यूट्रिशियस और हेल्दी खाने की जरूरत थी, लेकिन इन सब के बावजूद वो इस बात पर अड़े रहे कि वो वेजिटेरियन खाने के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। 1917 का साल उनके लिए बेहद मुश्किल वक्त था। दुनिया में जंग छिड़ी हुई थी। बीमारी ने उन्हें घेर रखा था। परिवार से कोई खबर नहीं आई थी और कंपकपाने वाली सर्दी में वो बिल्कुल अकेले और हताश हो गए थे। इन सब का रामानुजन के दिलो दिमाग पर गहरा असर हुआ और जनवरी 1918 में उन्होंने खुद की जान लेने की कोशिश की। उन्होंने रेल की पटरियों पर छलांग लगा दी थी और सामने से एक ट्रेन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये तो एक चमत्कार ही था कि एक गार्ड ने उन्हें देख लिया और समय रहते स्विच खींच लिया। ट्रेन उनके बिल्कुल सामने कुछ फुट की दूरी पर आकर रुकी। रामानुजन की जान तो नहीं गई, लेकिन उन्हें कई जगह चोट आई। फिर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हार्डी उन्हें वहां लेने पहुंचे। उन्होंने इंस्पेक्टर से रामानुजन को जेल में बंद ना करने की रिक्वेस्ट की। उन्हें बचाने के लिए हार्डी ने झूठ बोला कि बिल्कुल उनकी तरह रामानुजन भी रॉयल सोसाइटी के फेलो थे। शायद वहां रॉयल सोसाइटी के फेलो को इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसीलिए पुलिस ने पता लगाया और उन्हें पता चला कि सच में रामानुजन एक नामी ग्रामी मैथमेटिशियन थे। इसीलिए उन्होंने उन्हें छोड़ने का फैसला किया। इस घटना के एक महीने बाद हार्डी का बोला हुआ झूठ हकीकत में बदल गया। रामानुजन इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने 3 बार लेटर को पढ़ा। उस साल रॉयल सोसाइटी का फेलो बनने के लिए 104 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 15 लोगों को चुना गया था और रामानुजन उनमें से एक थे। मई 1917 में रामानुजन ऑफिशियली एस रामानुजन यानी कि FRS बने। स्वयंभू। जंग खत्म होने के बाद रामानुजन घर लौटने की तैयारी करने लगे। हार्डी और डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि रामानुजन की हेल्थ के लिए यही बेहतर होगा कि वो घर लौट जाएं। इस बीच इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी उनकी सक्सेस का जश्न मना रही थी। उन्होंने उनके FRS के महान अचीवमेंट के लिए उन्हें सम्मानित किया। उनके घर वापसी की खबर सोसाइटी जर्नल के फ्रंट पेज पर छपी थी। मार्च 1919 में रामानुजन मुंबई पहुंचे। वहां डॉक पर उनकी माँ और उनके छोटे भाई उनका इंतजार कर रहे थे। वहां से मद्रास जाने के लिए वो एक शिप में सवार हुए। मद्रास में रामानुजन अपनी पत्नी और परिवार के बाकी लोगों से मिले। जानकी तब 18 साल की हो गई थी। रामानुजन को मद्रास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का ऑफर मिला, लेकिन उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो कहने लगे थे कि वो अब 35 की उम्र से ज्यादा नहीं जी पाएंगे और जल्द ही उनकी सांसें बंद हो जाएंगी। जानकी ने उनकी बहुत देखभाल की, वो अंत तक उनके साथ खड़ी रही। एक दिन रामानुजन पेट में भयंकर दर्द की शिकायत कर रहे थे। उनका शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया था। 26 अप्रैल 1920 को रामानुजन ने आखिरी सांसें ली। 32 साल की कम उम्र में वो दुनिया को छोड़कर चले गए। हार्डी को रामानुजन की मौत की खबर से गहरा सदमा लगा था। 20 साल बाद भी वो रामानुजन के साथ बिताए हुए वक्त को उसी सम्मान और भावुकता से याद करते थे। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर देकर कहा था कि रामानुजन एक सेल्फ मेड आदमी थे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बायोग्राफी, ये ऑडियो बुक समरी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन हमें बहुत सुंदर कंक्लूजन के साथ छोड़ते हुए जाती है। इस बुक में आपने श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जाना, आपने उनके स्ट्रगल और उनके सपनों के बारे में जाना। एक बड़ी सक्सेस पाने के लिए फेलियर का भी सामना करना पड़ता है, और रामानुजन भी इससे अछूते नहीं थे। वो कई बार फेल हुए, लेकिन अंत में वो एक सक्सेसफुल इंसान बनकर उभरे। वो एक परफेक्ट इंसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपना पैशन फॉलो करने में लगा दिया। उनकी हमेशा बस एक ही इच्छा थी, मैथ्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना। उनके समय का एजुकेशन सिस्टम सख्त था, कई लोगों ने उन्हें गलत भी समझा। बस कुछ लोग ही इस हीरे की चमक को देख पाए थे, कुछ लोगों ने उन्हें पागल भी समझा, लेकिन उनके जीनियस माइंड को कभी कोई पीछे पकड़कर नहीं रख पाया। अपने छोटे से जीवन में जिस चीज से उन्हें प्यार था, उसके माध्यम से उन्होंने नॉलेज के फील्ड में बड़ा योगदान दिया। सभी का मानना है कि रामानुजन के एफर्ट्स कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर भारतीय को उन पर गर्व है और वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। उम्मीद करते हैं ये ऑडियो बुक समरी आपको जरूर पसंद आएगी। इस बुक में भी एक्शन लेने के लिए हमारे लिए बहुत कुछ है। अगर हमारा कोई पैशन है तो हम भी उसे फॉलो कर सकते हैं, बशर्ते शिद्दत वही हो जैसा कि इस बुक में हमने पढ़ी और समझी। कमेंट सेक्शन में फीडबैक देकर आपकी राय जाहिर करें और आपका क्या पैशन है वो भी जरूर लिखें। बहुत जल्द एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक सुनते रहिए गीगल को, एक्शन लेते रहिए, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।